अरे ऐसे बम तो मैं रोटी में लपेट के खा जाता हूँ। ले तू ही जला ले, ले। आए बबलू भाई हीरो, ये लो इसे फोड़ के दिखाओ। ज्यादा बड़ा नहीं है? अरे आपके लिए क्या बड़ा हीरो, आप तो बबलू भाई। अबे जरा फोड़ो तो सही, हम भी देखे फोड़ो। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली आई है। घर आंगन सब नया सा लगता है, नया नया परिधान सभी को फबता है। नए नए उपहार दिवाली लाई है, खुशियों का संसार दिवाली लाई है। दिवाली हैक्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इस दिवाली हैक्स को जरूर ट्राई करना और ढेर सारे वीडियो को लाइक करो। और श्री गणेश करके वीडियो शुरू करते हैं। अरे रुक रुक रुक, ये टेप ले और जब सोफा साफ कर दे जल्दी। चल चल चल, बहुत काम है। हाँ? कहाँ फट गई? मैं क्या बात कर रहा है? तो पीछे टेप लगा है। मम्मी इसने मेरे बम पे टेप चिपका दी। आप ही ने तो बोला था सफाई करने। अरे बेटा मैंने बम पे नहीं ब्रश पे टेप लगाने के लिए कहा था। सोफा या कोई भी फैब्रिक क्लीन करने के लिए इस टाइप का ब्रश लो और उस पे इस तरह से डबल साइडेड टेप लगाकर अपना सोफा क्लीन कर लो। जब आप खाली ब्रश से चीजें क्लीन करते हैं तो कई बार उसमें गंदगी अटकी रह जाती है, जैसे कि बाल फंसे रह जाते हैं, पर टेप लगाने से सारी गंदगी टेप में चिपकेगी। इससे आपका ब्रश भी जल्दी गंदा नहीं होगा और फैब्रिक भी क्लीन हो जाएगा। चलो ये सब तो हो गया ना, दीपक जला दे जरा, ठीक है? अबे मोटी बुद्धि, मुझे नहीं दीपक जलाने के लिए कह रही है, मुझे नहीं। मम्मी पापा कहाँ पे? बेटा तलाश जारी है, पर ये कलश कहाँ है? जाओ जल्दी कलश लेकर आओ। तो कलश तुम्हारे सर पे रखेंगे, इसके रखने के अनाज लेकर आओ जल्दी। दिवाली की सुबह ही ना लिस्ट बना के रख लो और सारा सामान पहले ही निकाल लो, जिससे कि ऑन टाइम की भागदौड़ से भी बच जाओगे और पूजा की मुहूर्त में देरी भी नहीं होगी।
मोस्टली घरों में ऐसे पार्टीशन वाली विंडो होती है और इनको साफ करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इन पार्टीशन को क्लीन करने का सबसे इजी तरीका है, स्कॉच ब्राइट लो और पार्टीशन के हिसाब से इस पर निशान लगा लो और बस उस पीस को कट करके ये जो पार्टीशन है उन्हें इस तरह से क्लीन कर लो, झट से काम हो जाएगा। A few moments later. अबे छी, पूरे साल का एक ही दिन आगेगी क्या? अरे यार, दिवाली की मिठाई खा के ना पेट खराब हो गया है। मिलावट की मिठाई खाएगी तो यही होगा ना? अच्छा, तो तू खिला दे अपने हाथ से बना के बिना मिलावट की मिठाई। बिना मिलावट की मिठाई ना शॉप पे भी मिलती है, बस थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। दिवाली के टाइम पे ना मोस्टली मिलावट की मिठाई मिलती है, तो तू एक काम किया कर, खोए को ना अवॉइड कर और घी वाली मिठाई खरीद, जैसे बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू और बालूशाही। पर अब क्या कर सकते हैं, जा अगले। अच्छा, तू आराम से ओपन कर, मैं आती हूँ। ओए रुक, इसमें तो खाली डब्बे हैं। तेरी तो खाली डब्बा दे दिया चॉकलेट के नाम पे, पागल बना दिया हमारा। हाँ, तू इसके लायक है क्या? अरे सुन, तो वो तो मैंने बस इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया था। प्यारे से दिवाली चॉकलेट बॉक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बॉक्सेस चॉकलेट्स और फॉइल पेपर। तो बॉक्सेस को कर लेंगे फॉइल पेपर से रैप। और चॉकलेट्स को आपस में चिपका कर बना लेंगे एक लंबी चेन। अब इस चेन को तीनों बॉक्सेस के चारों तरफ पेस्ट कर दो। बस अब कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, चार्ट पेपर और रिबन की हेल्प से इसे अच्छे से डेकोरेट कर लो। देखो, लग रहा है ना ये एकदम एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट? ओ, इल्यूजन क्रिएट कर दिए, ये ले। तू अब इसी के लायक है। इस फेस्टिव सीजन में आपको भी बाकियों से कुछ यूनिक हेयर स्टाइल बनाना है तो ये हेयर स्टाइल तो सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए आपको सामने से सिर्फ 2 फ्लिक्स निकालने हैं और बाकी बचे हुए आधे बालों का हाफ अपडू बना लेना है। जो हाफ अपडू करने के बाद बाल बच गए थे उनको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। अब दोनों को हाफ अपडू के ऊपर ले जाते हुए रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। इससे आपका पोनीटेल हाई दिखेगा और हेयर स्टाइल भी यूनिक लगेगी और फेस्टिव सीजन में तो आप ही चमकोगे। तो मोबाइल कहाँ फेंकूं? अरे यहीं फेंक दे। दिवाली को फुल मजा आता है ना यार, क्यों माल है भाई? सफेद वाली मेरी, पिंक वाली तेरी, ठीक है? पिंक वाली तेरी, सफेद वाली मेरी। अब मैं आ यहाँ बैठ के दोनों भाई देखेंगे, ठीक है? भाई यार बहुत तेज चल गया यार। और बोले आ रही है तेरी आग बुझाने। Hey guys, ये था हमारा
दिवाली आप इन हैक्स को जरूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना कि आप इस दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और आप अभी ये सोच रहे होगी कि इतना सच सच के सूट पहन के बैठी है मैं, से टॉप एंड स्कर्ट में क्यों? क्योंकि मैंने लेंस ट्राई किया, देखो कैसी लग रही है। लेंस तो मैं निकालूंगी अभी, आप अपना ध्यान रखना और हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।